नमस्कार दोस्तों हिंद जय भारत महा दो आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दमदार स्वागत है अभिनंदन है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास समंदर भी आएगा यू रूट का बेट मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा जाहिन जय भारत एक बार फिर से आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करता हूं आज बात करेंगे आपके आर ओ जामगर की बहुत बार बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर जामनगर का रिजल्ट क्या रहा पिछली बार क्या रहा था इस बार क्या रिजल्ट रहने वाला है हमारा रिजल्ट कब तक आएगा तो वो सारी चर्चा करेंगे वीडियो के अंत तक बने रहिए पिछली बार क्या मेरिट रही थी टोटल कितने बंदे थे इस बार क्या मेरिट जाने वाली है कितने बच्चों को पास किया है कितने बच्चों को रीमेडिकल के लिए भेजा गया है और रीमेडिकल में कितने बच्चे पास हुए हैं जी बिल्कुल दोस्तों रीमेडिकल के लिए रिजल्ट आ चुका है बिल्कुल जिनका पिछले पंद्रह सोलह तारीख से स्टार्ट रीमेडिकल था उनका रिजल्ट भी आ चुका है

रखो वो मंजर वे आएगा वंजर कौन सा है वर्दी वाला तो वो वंजर जरूर आएगा आप सभी के लिए बिल्कुल धीरे अब बात करते हैं जो पिछली बार कट ऑफ रही थी उसके बारे में चर्चा कर लेते कि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी गुरु वो क्या कही थी उसके हिसाब से इस बार क्या कट ऑफ जाने वाली है उसकी चर्चा कर लेते हैं बिल्कुल तो सबसे पहले देखिए यारो जामनगर की जिसमें पिछली बार की देखा जाए तो पिछली बार टोटल आपकी वैकेंसी दी गई थी जीडी में जिसमें जीडी में टोटल 950 बंदे बैठे थे कितने बते? 950 जिसमें से 950 में दो सौ बंदे पास हुए थे यानी कि फौजी बने थे फिर बात करेंगे आपके टेक्निकल से टेक्निकल की देखा जाए तो 24 बच्चे एग्जाम बैठने थे कितने बच्चे केवल 24 एग्जाम में देने बैठे थे उनमें से 16 बच्चों का सिलेक्शन हो गया था फिर बात करेंगे ट्रेडमैन की तो ट्रेडमैन टेंथ पास से देखा जाए तो नब्बे पिचानवे बच्चे बैठे थे आपके एग्जाम देने के लिए और टोटल जो फौजी बने थे वो 46 यानी छियालीस बच्चों का सिलेक्शन हुआ था ये फौजी बन गए थे फिर बात करेंगे ट्रेडमैन एथ पास की जिसमें 80 बच्चे बैठे थे अस्सी पिछे बच्चे जिसमें से इकतीस बच्चों का सिलेक्शन हुआ था यानी कि लगभग ग्यारह सौ पचास बच्चे टोटल बैठे थे एग्जाम में उनमें से टोटल तीन बच्चों का सिलेक्शन हो गया था फाइनल आपके जामनगर से कहां से जामगर से ठीक है बिल्कुल तो टोटल जो फौजी बने थे दो बने थे हालांकि इसमें आपका देखा जाए तो पिछली बार एनसीसी सी के बच्चे सबसे ज्यादा बैठे थे आपके ARO, जाम नगर से सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुआ था एनसीसी सी वालों का दूसरी बात पिछली बार लगभग सभी बच्चों के ग्राउंड में सो में से सौ थे कितने थे सो में से सो थे ग्राउंड में पिछली बार जबकि इस बार देखा जाए तो इस बार आपके सो में से सो बहुत सी कम बच्चों के थे क्योंकि सौ में से सौ कम थे और इस बार जो अट्ठासी वाले बच्चे थे वो ज्यादा है इस बार ठीक है तो इस बार अट्ठासी वालों बच्चों का चांसेस थोड़ा ज्यादा रहेगा दूसरी बात पिछली बार लगभग बच्चों के एक गलती हो रही थी कि गुरुजी हमने पूरे पचास क्वेश्चन कर दिए थे और उस कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था हालांकि उनमें क्वेश्चन पैंतीस भी सही हो रहे थे कहीं के फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि माइनस मार्किंग उन्हें ले बैठ गई थी बिल्कुल तो इस बार वो बच्चे उनका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि उन्होंने पिछली बार बार वो सीख ले, ले थी। ठीक है इस बार टोटल 720 बच्चे हैं उनमें से आपके चार सौ पचास बच्चों का रीमेडिकल के लिए दिया गया था कितने बच्चों का चार सौ पचास जिसमें से आपके दो सौ साठ से दो सौ अस्सी बच्चों का आपसे यहां पे री पास कर लिया था जिनका रिजल्ट अभी दस तारीख को आया था और शेष बच्चों का कल आ गया था और अभी आया लिस्ट ठीक है तो आशा करेंगे

ठीक है बिल्कुल दूसरी बात गुरु हमारा रिजल्ट कब आएगा तो रिजल्ट आप ना तो आप फर्स्ट फेज में रहो ना ही सेकंड फेज में रहो क्योंकि आपका अभी अब जिस मेडिकल लिस्ट आई है आपकी रीमेडिकल वालों की तो अब जो एआरओ के पास वापस लिस्ट मिलेगी जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां से एआरओ के पास वापस लिस्ट जाएगी फिर आपका जो रिजल्ट बनेगा तो ये तो जाहिर सी बात है आपका फर्स्ट फेज में कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट फेज वालों को अक्टूबर में आपको डिस्पेस कर दिया जाएगा और एक नवंबर से फर्स्ट फेज वालों की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी यानी कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी ठीक है तो अभी तो आपका रिजल्ट आना बाकी है अभी तो मिलिट्री हॉस्पिटल से जो आपके लिस्ट है पास वालों बंदे की वो आपके एयर में जाएगी वहां से लिस्ट बनेगी फिर आपके एयरओ वाइज से वहां से रिजल्ट जारी होगा कि कितने बच्चे टोटल पास हुए तो जैसे वहां पे लिस्ट जाएगी उसके बाद रिजल्ट होगा उसके बाद आपके पांच से सात दिन बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको लिस्ट दिया जाएगा डेट दी जाएगी बताया जो आपका ट्रेनिंग सेंटर बताया जाएगा तो ये तो जाहिर सी बात आपको फर्स्ट फेज में शामिल नहीं करेंगे फर्स्ट फेज में शामिल नहीं करेंगे तो फर्स्ट फेज में शामिल नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी आपका 20 तारीख के लमसम से आ सकता है कितने 20 तारीख के बाद ही आएगा पहले रिजल्ट नहीं आएगा ठीक है और हो सकता है इसके बाद भी आ जाए हालांकि इन बच्चों को वहां से जैसे सूचना मिली तो इनको यही बताया गया है कि आपका बीस दिन के बाद रिजल्ट आएगा कितने बीस से पच्चीस दिन को इनको बताया गया कि बीस से पच्चीस दिन के बाद आपका रिजल्ट आएगा ठीक है वहां से जो सूचना मिली है बच्चों के द्वारा वो उन्होंने यही पूछा था कि वहां से जो आपके सर थे वहां से उनसे पूछा कि सर हमारा रिजल्ट कब तक आएगा तो उन्होंने बताया कि बीस से पच्चीस दिन के भीतर आपका रिजल्ट आ जाएगा तो ये तो जाहिर सी बात हो गई गुरु जी की आज तारीख होगी आपके बारह तेरह तारीख हो गई तो वहां तक, तक अभी तक अब बीस पच्चीस देखा जाए तो आपके फर्स्ट फेज वहां का हो जाएगा तो आपका ट्रेनिंग सेंटर भी वहां से आपको फर्स्ट फेज में यानी कि कुल मिला की बात आपको फर्स्ट फेज में शामिल नहीं किया जाएगा और सेकंड फेज वालों का जो नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा तो उनका जब फिजिकल होगा उस समय आपको डिस्पेज कर दिया जाएगा ठीक है, बिल्कुल और जैसे कोई और अपडेट आएगी हम आपके बीच में आ जाएंगे, फिर से लाइव रोज सुबह सात पंद्रह और इस बार नए जुड़े हैं तो रोज सुबह सात पंद्रह वाली क्लास लेना ना बोले जो आर्मी जेडी ट्रेडमेंट टेक्निकल और कलर के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होगी ठीक है और जल्द ही आपको जो रिजल्ट के अपडेट के अलावा जो जैसी सूचना रहेगी उसके अलावा शाम को छह बजे साइंस की क्लास आठ बजे मैथ्स की क्लास भी आपके सुचारू रूप से जल्द स्टार्ट हो जाएगी बिल्कुल इसी बीच अब आपसे इजाजत चाहेंगे जय हिंद जय भारत